हेलो दोस्त, कल हम दिवाली में थे, आप भी थे। खुशियाँ तो थी, लेकिन खुशियाँ डबल हुई थी। ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। खुशियाँ इसलिए ज़्यादा थी कि भारतीय भी हैं, यानी भारतीय मूल के हैं। डायरेक्ट कहें तो इनडायरेक्ट रूप में नहीं, भारतीय मूल से हैं। इनके पूर्वज भारत से जुड़े हुए थे और इनका प्रधानमंत्री बनना कुछ लोग इस मायने में ले रहे हैं कि अंग्रेज़ ने हम पे राज किया, हम अंग्रेज़ पे करेंगे। तो ऐसा पूरी तरह सच नहीं होता। कोई भी देश का प्रधानमंत्री उस देश की डिग्निटी होती है, और ऐसा नहीं कर सकते कि वो भारत के प्रधानमंत्री की तरह काम करेंगे। वे ध्यान गड़बड़ में नहीं रहना है, लेकिन एक उपलब्धि होती है कि अगर किसी देश से कनेक्टिविटी है तो उसका मायने रखता है। तो उसी मायने को बढ़ाते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही है, तो मैं तो आपके साथ 30 लेके आया हूँ। और हालांकि ये नेट से सर्च किया हुआ डॉक्यूमेंट है, कुछ नाम में दिक्कत होगा, कुछ स्पेलिंग में थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन लमसम हमें पता चलेगा कि किन किन देशों में भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति भारतीय हैं, जो भारतीय मूल से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट भारतीय नहीं कह सकते, भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी को देखते हुए ऋषि सुनक से शुरुआत करेंगे और 30 तक आपको लेके चलेंगे। कुछ फिगर यहाँ पे है। इसमें दो चीज़ें और जानने की ज़रूरत है कि कुछ वर्तमान में है और कुछ पहले भी रहे हैं। तो 8 वर्तमान में अभी भी हैं और 30 पूरे पूरे ओवरऑल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये टेक्निकल जानकारी से कम करंट अफेयर भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें करंट अफेयर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और अगर क्वेश्चन ऋषि सुनक पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए 30 में से कोई भी हो सकता है, या 8 अभी वर्तमान है तो 8 में से तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, रेलवे लाइफ की तरफ से हम आपको शुरू करते हैं। पहला ऋषि सुनक जी, इनका बॉर्न 1980 अफ्रीका से, शायद अफ्रीकी कोई कंट्री है वहाँ से हैं, इनके पूर्वज वहाँ बस गए थे वहाँ से है, लेकिन एग्जैक्ट हमें जानना है कि भारतीय जुड़े हुए हैं। तो तीन चीज़ पे हम यहाँ बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर, और हर 300 लोगों का यही बात करेंगे और शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और दूसरी रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं ब्रिटेन, 24 अक्टूबर 2022 को अभी शुरुआत ही किए हैं पारी की। जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री इनसे पहले थी, उन्होंने 45 या 46 47 दिन में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बोरिस जॉनसन, उनके बाद कुछ दूसरे, फिर अभी इनको मौका मिला है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो चलिए, इनका अगर बर्थ प्लेस बोलें तो इंग्लैंड ही है, और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के नाम से ही कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो दूसरे नंबर पे है वावेल राम कलवान, 1961 में, पुराना है लेकिन अभी भी पोस्ट पे बने हुए हैं, इसीलिए मैंने टील डेट यहाँ ग्रीन कलर से लिखा है, ये ध्यान देखिएगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ सिचिली, छोटे से देश लेकिन इम्पोर्टेंट है, पोस्ट तो पोस्ट ही होता है। उसके बाद इनका 26 अक्टूबर 2020 से अभी तक है। उसके बाद इरफान अली, 1980 में इनका बॉर्न है, और ये तो देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, यानी गुआना के राष्ट्रपति, 2 अक्टूबर 2020 से अभी तक है। तो चलिए 80 में आ गए, ये सारे प्रश्न पूछने जा सकता है, और इनका डेट ऑफ बर्थ लियोनोरा गुआना है। उसके बाद अगला बात करेंगे, तो अगला आपके पास है, कई बार प्रश्नों में पूछ चुका है, चांद संतोखी, बन 1959, और कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम कई बार पूछा हुआ है, तो ये अभी भी 16 जुलाई 2020 से अभी टिल डेट तक वर्किंग है। सूरीनाम में ही इनका जन्म हुआ है, लेकिन भारत से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपका पृथ्वीराज सिंह रूपुन, 59 में ही डेट ऑफ बर्थ है, प्रेसिडेंट ऑफ मॉरीशस। और ध्यान देने वाली बात है कि मॉरीशस एक ऐसा कंट्री है जहां भारतीय मूल के व्यक्ति सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और एक ही व्यक्ति यहीं पे प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी सेम व्यक्ति रहे हैं। तो ये भी अभी 2019 से हैं अभी तक, 2 दिसंबर से, और इनका डेट ऑफ बर्थ प्लेस मॉरीशस ही है, ब्रिटिश मोटिटस यानी उस समय के ज़माने का। उसके बाद हलीमा याकूब, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा हुआ है कई कम्पिटिटिव एग्जाम में, 1954 डेट ऑफ बर्थ है और प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं। उसके बाद आप इसी में देखेंगे तो इनका अभी भी वर्क यानी अभी भी पोस्ट पे हैं, 4 सितंबर 2017 से अभी तक का, ब्रिटिश सिंगापुर में इनका डेट ऑफ
बर्थ प्लेस है कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो अभी काम में है वो है परविंद जुगनाथ, डेट ऑफ बर्थ यानी बॉर्न के रूप में कहें तो 1961, और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, यानी यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस अभी भी, और ऊपर में जाएंगे तो अभी मॉरिशस के बारे में देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, यानी मॉरिशस ऐसा देश है जहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो अभी उसके बाद आगे आपका ऐसा आएगा एंटोनियो कोस्टा, 1961 डेट बर्थ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, और अभी भी 2015 से अभी तक हैं अपने पोस्ट पे, अच्छी बात है। इनका जन्म पहले से लिस्बन पुर्तगाल। उसके बाद अगले बात करेंगे लियो बराडकर, 79 इनका डेट ऑफ बर्थ के रूप में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। तो इनका डब्लिन आयरलैंड में जन्म हुआ था, और ये अब यहाँ से शुरू होता है, ग्रीन ख़त्म हो गया, यानी अभी इसके ऊपर हमने जो बात की है ये सारे के सारे अभी टील डेट तक अभी अपने ऑफिस पे या अपने पोस्ट पे बरकरार है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के रूप में यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में। अब इसके बाद बात करते हैं नीचे के लिए, तो नीचे आपका लियो वराडकर ये शुरू होते हैं आपके जो पहले रह चुके हैं। तो कब से कब रह चुके हैं, तो 17 जून 2017 से 27 जून 2020 तक 3 साल 13 दिन इनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड थे। उसके बाद आपका शुरू हो रहा है एमनी गुरु फकीम, 1959। अब इनका देखिएगा मॉरिशस के ही, तो मॉरिशस तो आप जान ही गए हैं कि मॉरिशस के लिए तो कोई तुलना नहीं हो सकता, सबसे ज़्यादा इसी देश में भारतीय मूल के व्यक्ति ने शासन किए हैं या राज चलाए हैं या वहाँ के लोगों का टेक केयर किए हैं। 2 ईयर 91 दिन ये भी हो गए। उसके बाद अगला आपके आता है कैलाश पुरिया, 1947 यानी भारत की आज़ादी के वर्ष, प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, और इनका भी कार्यकाल करीब करीब 2 साल इतने यानी 12 से लेकर 15 के बीच में। उसके बाद डोनाल्ड रोमटर, 1950 इनका प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, इनका कार्यकाल 3 ईयर 164 दिन, और ब्रिटिश गुआना में जन्म लिए थे। उसके बाद अगला बात करेंगे कमला प्रसाद वी सेसर, 1952 में है, और इनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद ऑफ टोबैगो, कब से 2010 से 2015 तक यानी 5 साल 108 दिन। उसके बाद अगला आता है आर नाथन, 1924 से 2016 इनका मतलब जीवन का बर्थ और डेट का है दोनों का। तो उसके बाद कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, कब से रहे थे तो 1999 से लेकर 2021 तक 11,264 दिन, काफ़ी लंबा समय। इसके अलावा भी इससे बड़े लोग भी हैं, अभी इससे ज़्यादा लोग ज़्यादा टाइम तक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष रहने का भी कई लोग हैं। फिर उसके बाद आता है भारत जगदेव, 1964 प्रेसिडेंट ऑफ गुआना, 12 ईयर 114 दिन। उसके बाद अगला नंबर पे आता है महेंद्र चौधरी जी, बार बार एक मिनट कुछ क्लीनिंग कर रहा है, महेंद्र चौधरी जी जिसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, बार बार प्रश्न ये भी पूछा रखा है, तो इसको ट्रिपल स्टार हम के ज़माने में आते थे, तो ये रहे हैं 99 से लेकर 2000 तक, 1 ईयर 2008 ब्रिटिश फिजी का जन्म था इनका। उसके बाद नवीन राम गुलाम, 1947 भारत की आज़ादी के साल, और ये 14 ईयर 59 डे तक रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, समझ सकते हैं। तो मॉरिशस भारत का दूसरा देश, भारत का दूसरा कह सकते हैं ऐसा जगह जहां पे भारतीय राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। उसके बाद वासुदेव पांडे, 1933 में जन्म है, लेकिन ये 6 ईयर 45 दिन यानी 1995 से लेकर 2021 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद ऑफ टोबैगो के रूप में काम किए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ पैलेस कह सकते हैं, इंडियन विलेज प्रिंस टाउन ब्रिटिश त्रिनिदाद ऑफ टोबैगो में है। उसके बाद अगला बात करेंगे चेदी जगन, या चेदी जगन को पढ़ सकते हैं, 1918 से 1997 तक है, एक गुआना के प्रेसिडेंट रहे हैं, 4 ईयर 148 दिन 1992 से लेकर 1997 के बीच में। उसके बाद है बीरा स्वामी रिंगादो, इन्होंने भी करीब करीब 9 ईयर 230 दिन
प्रेसिडेंट ऑफ मॉरीशस, यानी मॉरीशस का देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मॉरीशस के बारे में ही दिखेगा जो जहाँ पे है। उसके बाद है राम सेवक, यहाँ पे एक स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम सेवक शंकर, बॉर्न इन 1937, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, 88 से लेके 90 तक में, 2 ईयर 333 दिन का। उसके बाद अगले बात करेंगे नूर हंसाली, ये भी त्रिनाड और टोबैगो से जुड़े हुए हैं, 9 ईयर 362 दिन। उसके बाद अगले पोस्ट में चलेंगे तप्रीताप राधा किशुन, जिनका सूरीनाम और प्रेसिडेंट, ये भी करीब करीब 264 दिन, मात्र 1 साल से भी कम। उसके बाद आपका है इरोल एलिबक्स, इनका भी सूरीनाम से प्रेसिडेंट, ये भी 316 दिन। उसके बाद है एनिरुद्ध जगनौथ कह सकते हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरीशस, और सबसे ज़्यादा अगर विदेशों में कोई काम किया है तो यही कह सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ मॉरीशस भी रहे, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पोस्ट पर रहने वाला एक अकेला पर्सन विदेशों में, यानी दूसरे देशों में जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं। 18 साल तक प्रधानमंत्री और करीब करीब 8 साल तक प्रेसिडेंट ऑफ मॉरीशस, और इसमें से डेट थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये नेट से डाटा कॉपी लेके लिया हुआ है, बनाया हुआ है पीडीएफ आपका पीपीटी, तो ब्रिटिश मोटिवेशन में जन्म हुआ था तो थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है इसमें। उसके बाद फ्रेड रामदत्त मिसिर, इन्होंने भी प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, 5 ईयर 35, यानी 1982 से लेकर 88 तक। उसके बाद आप देखेंगे देवन नायर, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर में दूसरा, जो 3 ईयर 155 दिन, 23 अक्टूबर 2021 से 1985। उसके बाद अगला आता है महाथीर मोहम्मद, और ये समझ सकते हैं मलेशिया, जो एक बड़ा कंट्री कुल मिला के कह सकते हैं एशिया में, जैसे अभी बाकी तो हम छोटे छोटे देशों की बात कर रहे थे ब्रिटेन को छोड़ के, लेकिन मलेशिया एक ठीक ठाक कंट्री, एरिया भी अच्छा खासा, वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है कितने साल, तो 24 ईयर 38 दिन, तो सबसे ज़्यादा दिन काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये। और आप प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के रूप में काम करने वाले की बात करेंगे तो अभी हमने बात किया था यहाँ पे एनिरुद्ध जुनाथ के नाम से है, और इस किसी के नाम के साथ ऐसे सीरी या पोस्ट नहीं लगाया या डॉक्टर नहीं लगा है, इसलिए कि हर जगह अलग अलग हो सकते हैं डिटेल। उसके बाद आप आता है अल्फ्रेडो नोवारे डा कोस्टा, इनका नाम था और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मात्र 86 दिन, 86 दिन, जो भारतीय मूल से जुड़े हुए थे। उसके बाद है शिवागा और राम गुलाम, 1900 से 1985 तक, मॉरीशस फिर से, और ये 14 ईयर 110 दिन। उसके बाद ये लास्ट था, और यहाँ पे तक कह सकते हैं कि ये पूरा 30वां सीरियल नंबर। तो खुशियाँ है और खुशियाँ अनंत है, थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, और कह सकते हैं कि कल दिवाली थी, तो दिवाली में एक नहीं, हम पूरे पूरे आपके इस लिस्ट में 30 का लिस्ट लाए हैं, और 30 को हमने PPT बना के आपके लिए लाए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।